go जागो ललिना बंसी वारी जागो मोरी प्यारी जागो रजनी बीती भोर भयो है जागो ललना बंसी वारे। बहुत ही सुंदर नमस्कार आदाब शख्सियत में मैं समीना आप सबका इस्तकबाल करती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ। अभी जिन्हें आपने सुना वो है मीरा के रंग में रंगी एक फ़नकार, जिनका सफ़र रोशनी का सफ़र है, जिनका अध्यात्म से है गहरा ताल्लुक और उनका अज़्म है उनके हौसलों की पहचान। उनके लिए ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर मकाम पे लगता है कि मंजिलें और भी हैं, रास्ता अभी बाकी है, बहुत मंजिलें और भी हैं। शख्सियत में आज मुलाकात मनीषा ए अग्रवाल से। आओ जी पधारो आओ जी पधारो मार देश जी, आओ जी पधारो। राजस्थान की सरजमी से आती एक महकती आवाज, धरती सुनहरी लहरियों के सरियों आसमान, जहां देश की मिट्टी की खुशबू का रंग देखते ही बनता है। आओ जी पधारो मार देश जी, अध्यात्म और समर्पण की मिसाल। बसाओ मोरे नैनन में नंदलाल, बसाओ मोरे नैनन में नंदलाल। इन्हीं खूबसूरत रंगों में रंगी एक दिलकश शख्सियत है मनीषा अग्रवाल। इतना तो कहा श्री हीरालाल चौधरी और श्रीमती विमला देवी चौधरी के यहाँ आपका जन्म हुआ। परिवार में संगीत की तई दिलचस्पी इस एक सिंफ से जुड़ने की वजह बनी। शुरुआत में पंडित दुर्गेश मिश्रा से सीखना शुरू किया और उसके बाद कोलकाता में पंडित श्रीकांत बाकरे से सीखने का मौका मिला। इसके बाद आपने सीखना शुरू किया पंडित विश्व मोहन भट्ट जी से। रियाज, शिक्षा और गुणीजनों की सोहबत और अध्यात्म से उनका गहरा लगाव रहा। 2005 में टाइम्स म्यूजिक ने उनका पहला एल्बम लॉन्च किया तेरी चाहत में। राजस्थान की मिट्टी का रंग यूं चढ़ा कि एक बेहतरीन एल्बम पधारो मारे देश लोगों को दीवाना बना गया। आओ जी पधारो मारे देश जी, आओ जी पधारो मारे देश जी, जिसमें देश के बेहतरीन कलाकारों के साथ छलका राजस्थान का ठेठ अंदाज भी। खामोशियां एल्बम काफी मकबूल हुआ क्योंकि इसमें उनके साथ थे हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति और महालक्ष्मी अय्यर जैसे कलाकार। और जिंदगी में एक अहम मोड़ आता है जब मैं हूँ मीरा म्यूजिकल प्ले
दर्शकों के समक्ष आता है। गिरधर, एक बात कहूँ? एक नहीं सौ बात कह, पर माथा तो ऊंचा कर। सुना है तुम प्रेम से वश होते हो? मुझे वश कर क्या करेगी सखी, मुझे वश किए बिना तेरा क्या काम रुक जाएगा भला। और इसे इनॉग्रेट किया मशहूर मारूफ अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी जी ने। इन खूबसूरत कोशिशों की बदौलत उनको कई आला अवार्ड से नवाजा गया। देश विदेश में आपकी बेशुमार प्रस्तुतियां दर्शकों का मन हमेशा से मोहती रही है। जिंदगी में हमेशा कुछ अलग और सार्थक करते रहने की ललक का नाम है मनीषा अग्रवाल। बंसी बन जाऊंगी, इन होठों की हो जाऊंगी, इन सपनों से जलकर है मेरा मन आंगन। बहुत बहुत स्वागत मनीषा जी प्रोग्राम शख्सियत में आपका। खमा गणी समीना जी, ये जो खूबसूरत सा पहनावा आपने पहना है मीरा के रंग में रंगी हुई हैं, मीरा से आपका ताल्लुक बचपन से है, तो कुछ उस वक्त के बारे से हम शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। कहाँ से शुरू हुआ ये सफ़र मैं कह भी नहीं सकती। हाँ, मेरी माँ से ज़रूर सुना है कि बचपन में शायद जब से बोलना सीखा उस समय से ही कृष्ण के पदों को गाती रही, मंदिरों में बैठ कर घंटों गाती रहती थी, तो वहीं से मुझे सभी मीराबाई कहते थे। सुनकर अपने पर प्यार आता था और कृष्ण पर भी बहुत प्यार आता था। अच्छा, तो यूं जुड़ी हैं आप मीरा से। बचपन के बारे में बताइए, कुछ अपने माता पिता के बारे में बताइए, कुछ अपने संगी साथियों के बारे में बताइए। जैसा माँ कहती हैं कि बचपन से ही शायद परफॉर्मेंस की तरफ मेरा ध्यान रहता था, एक तो आध्यात्म की तरफ और दूसरी तरफ कुछ ना कुछ मुझे स्टेज पर कहीं ना कहीं कुछ काम करना है। तो मुझे याद है, मतलब मेरी माँ कहती हैं और बहुत धुंधली सी यादें मुझे भी हैं कि मैं सभी अपने घर वालों से या कहीं किसी के घर पर गई तो एक रुपया मांगती थी मैं। अच्छा, कि भाई एक रुपया दे दो। हाँ। और मनीषा का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। अपने आप पर्दा खोलती थी, अपने आप अनाउंसमेंट करती थी और फिर शुरू हो जाती थी। क्या बात। और फिर सबसे एक एक रुपया ले लेती थी। पहली दफ़ा जब रेडियो में मैंने गाया युववाणी में, और उस समय भी मैंने भजन गाया था, और फिर मुझे रेडियो से 40 रुपए का एक चेक मिला था। अच्छा। वो मेरी पहली कमाई थी, ऑफिशियल कमाई थी। ईयर क्या था वो? वो शायद 70s में होगा। अरे वाह, 40 रुपए तब। गुड। सीखने का मौका आपको किन किन से मिला? मेरे पहले गुरु पंडित दुर्गेश मिश्र थे, तो बचपन से ही उन्होंने मुझे सिखाना शुरू कर दिया था, मेरी तालीम शुरू हो गई थी। मुझे याद भी नहीं है कब से शुरू हुई थी। मेरी माँ कहती कि बोलने से पहले तुमने गाना शुरू कर दिया था। और फिर उसके बाद जैसे जैसे बड़ी होती गई, पंडित श्रीकांत बाकरे, उन्होंने मुझे सुर से लगाव सिखाया। उनके साथ भी घंटों में ट्रांस में चली जाती थी जब सुर लगाती थी, फिर वो कहते थे जाग जाओ वापस आ जाओ। तो सुरों से प्यार करना उन्होंने सिखाया। फिर उसके बाद हमारे कुलदीप सिंह साहब हैं, उनसे भी मैंने बॉम्बे में ट्रेनिंग ली। उन्होंने भी बहुत सारे टेक्निक्स, रिकॉर्डिंग के टेक्निक्स। अच्छा। और फिर और भी जो टेक्निक जो ज़रूरत होते हैं एक कमर्शियल सिंगिंग में, वो उन्होंने सिखाया मुझे। और कंपोज़र भी बहुत अच्छे हैं हमारे राजस्थान में, हमारे जयपुर में पंडित चिरंजी लाल जी, जो कि मांड गायकी में वो बहुत माहिर रखते हैं, उनसे मैंने सीखा। जो राजस्थान के फोक हैं और थोड़े सेमी क्लासिकल जो फोक्स हैं उनसे वो सीखा मैंने। उस्ताद आमिर खान साहब, उनसे भी मैंने सीखा। सबसे ज़्यादा मैं इंस्पायर्ड हुई पंडित विश्वमोहन भट्ट से। मीरा की जितनी भी मेलेडीज़ हैं उन्होंने अलग अलग रागों में, कुछ राजस्थान के राग हैं और कुछ जो नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक के राग हैं, उसमें कंपोज़ किया, तो हर एक कंपोजिशन अपने आप में पूरा एक कहते हैं इट्स अ वर्ल्ड बाई इट्सेल्फ। तो राजस्थान का एक रंग हम सुने। ये भी कृष्ण और मीरा की ही बात है, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। ओके। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में
बताइए मनीषा जी कि मीरा का जो आपका प्रोजेक्ट रहा उसको आपने कैसे सोचा और फिर किस तरह से आप उस पर उसे मंच पर ला पाई, और ख़ास तौर से अगर मैं देखूं कि किन ख़ास शख्सियतों का साथ आपको उसमें मिला, ये हम सब ज़रूर जानना चाहेंगे। मीरा तो शायद शुरू से मेरे मन में थी और मैं हूँ मीरा, ये दुनिया ने बहुत सालों के बाद जाना। एज अ मीरा एज अ प्रोजेक्ट मैंने आज से 10-12 साल पहले शुरू किया था। मुझे अच्छी तरह से याद है बसंत पंचमी का वो दिन था और दिल्ली में ही पंडित जी के साथ, पंडित विश्वमोहन भट्ट के साथ हमारा पहला सेशन हुआ और उन्होंने पहला मीरा की पहली धुन उसी वक्त उसका सृजन हुआ। और फिर उसके बाद लगभग 1.5 से 2 साल लगे सारे कॉम्पोजिशंस को बनते हुए, और फिर उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग हुई लता मंगेशकर स्टूडियो में मुंबई में, और फिर उसके बाद हेमा मालिनी ने इस प्रोजेक्ट का लॉन्च किया मुंबई के इस्कॉन मंदिर में, और अनूप जलोटा ने अपने मीरा और कृष्ण के गीत में, अनूप जी ने कृष्ण का किरदार निभाया और मीरा की आवाज़ मैंने दी, और इसके अलावा कई सारे डायलॉग्स भी हैं मीरा और कृष्ण के, जिसमें कि कृष्ण जी अनूप जी कह रहे हैं कृष्ण जी की बातें और मीरा की बात मैं कह रही हूँ। क्या बात है, ये प्रेम दीवानी मीरा है, युग युग में जग में आती है, ये कृष्ण कृष्ण रटती रहती और फिर मीरा बन जाती है, सांसों की धड़कन पल पल बस अब ये ही मुझको कहती है, मैं मीरा में ही रहता हूँ और मीरा मुझ में रहती है और मीरा मुझ में रहती है। बनी दीवानी दर्द की जगह श्याम अनुराग, बन जोगन बन बन फिरो राजमहल को त्याग, मेरी वाणी मीरा वाणी बनने लगी, यह वाणी जन जन की वाणी बनने लगी, वृंदावन मन का वृंदावन, मैं अपने कान्हा के पास अपने कान्हा के साथ गली गली घूमती दर दर ढूंढती अपने शाम को, कहीं दूर मुरली की तान सुनाई देती, मैं दौड़ी दौड़ी जाती तो कान्हा झट झट पर पहुंच जाते और मुझे पुकारते, ए बावरी। आपके कुछ अपने हैं मनीषा जी जिन्होंने आज तक के आपके सफर को देखा है, मैं चाहूंगी आप उन्हें देखें फिर हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आइए देखते हैं। मनीषा जी आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने अपनी जिंदगी में संगीत को इतना महत्व दिया, आपने अपनी वर्षों की साधना इसमें लगाई और अब आप अभिनय के क्षेत्र में भी आपने एक वाम रखा है। मीरा जो आपका प्रोजेक्ट है वो सब जगह बहुत उसकी प्रशंसा हो रही है, मेरा संगीत है उसमें और आपने उसको बखूबी गाया है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि भविष्य में भी आप इसी तरह से ऊंचाइयों को छूते रहें। मनीषा अग्रवाल जी के साथ मैंने कुछ काम भी किया है, एक एल्बम में उनके साथ एक डुएट भजन गाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत भाव से गाती हैं और अभिनय बहुत अच्छा करती हैं। मैं उस इनके बैले में मैं हूँ मीरा उसमें भी मैंने थोड़ा काम किया, कृष्ण बन के मैं उसमें आता हूँ। मनीषा जी में दो खूबियाँ हैं, गाती भी बहुत अच्छा है और अभिनय भी बहुत अच्छा करती हैं, तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि और भी ये प्रोजेक्ट करें और उसमें मुझे भूले नहीं, मुझे फिर बुलाएं, हम लोग साथ में और काम करें, यही मेरी दुआ है। क्या बात है, क्या कहना चाहेंगी? कुछ शब्द ही नहीं है मेरे पास, ये इतने बड़े हैं और फिर इतने सरल हैं, तभी तो शायद इतने बड़े हैं। बड़े हैं, बहुत बल देते हैं मुझे। मनीषा जी जैसे अभी मैं हूँ मीरा की बात हो रही थी तो उसका कोई एक पीस अगर आप सुनाना चाहें मेरी ऑडियंस को। रोम रोम में रम रहा श्याम श्याम घन श्याम, मन माही मोहन बसे मीरा मीरा नाम, मैं शक्ति हूँ मैं भक्ति हूँ मैं अनुरक्ति हूँ, मैं मीरा मैं चेतना हूँ, मैं ख्याल हूँ, मैं मिसाल हूँ, मैं मीरा हूँ।
आंदोलन हूँ, मैं क्रांति हूँ, मैं शांति हूँ, मैं वीणा हूँ, रानी हूँ, महारानी हूँ, दीवानी हूँ, मैं मीरा हूँ। मीरा की कौन सी एक बात जो आपको हर बार प्रभावित करती है और आपको लगता है कि ये मैसेज हर व्यक्ति, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए? जैसे जैसे ये मैं मीरा को निभा रही हूँ, तो मीरा का जो भक्ति रूप है वो तो लोगों के सामने है, लेकिन मीरा का जो नारी शक्ति रूप है वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। और मैं कहूँगी कि सबके मन में एक मीरा है, मीरा सब में है, अर्थात उसका दो पहलू है, एक तो नारी शक्ति और दूसरा समर्पण यानी कि ट्रस्ट। तो आप यदि अपना समर्पण किसी पर करें, किसी पर ट्रस्ट करें, तो पूरे जग को जीत सकते हैं। जैसे मीरा ने कृष्ण के प्रति अपना सब कुछ समर्पण किया, उसके बाद फिर उनके लिए कोई भी मुश्किल नहीं था। तो मीरा बहुत शाश्वत हैं, बहुत टाइमलेसनेस है मीरा में। मीरा कल थी, मीरा आज है और कल भी रहेंगी। मुझे ये बताइए कि चूँकि आप किसी घराने से नहीं आती हैं बल्कि आपने ये हुनर सीखा, क्या कुछ दुश्वारियाँ आईं, क्या कुछ आपको मुश्किलें पेश आईं इस एक सफ़र के दौरान? बहुत लंबा संघर्ष रहा, कहने का मतलब कि मैं किसी घराने को नहीं बिलोंग करती हूँ। और कहते हैं ना कि अपना मुकाम, अपनी मंजिल, अपना रास्ता खुद ही बनाना, और इसमें तो सबको मालूम है और आपको भी मालूम है कि एक ज़िंदगी भी कम ही होती है। बिल्कुल। रियाज करने में, परफॉर्म करने में इतनी बारीकियाँ, इतनी तरह की बातें होती हैं, सबको लेकर चलना। कई जगह ऑडिशंस दिया और बहुत जगह मेरी डेमोज़ गई। हाँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना मुकाम अपने आप बन गया। फेलियर्स आए रास्ते में? हाँ, कुछ फेलियर्स भी आए, लेकिन मैंने फेलियर्स को एक कहते हैं ना स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, यू नो अ पॉइंट ऑफ लर्निंग, कि उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा और बिल्कुल भी हताश नहीं हुई। मेरे गाइडिंग स्टार आई वुड से मेरे हस्बैंड रहे। वो हमेशा मुझे, मेरे क्रिटिक भी रहते हैं और मुझे सपोर्ट भी करते हैं। क्या बात है। मुझे ये बताइए कि जब आपका पहला एल्बम आया मार्केट में, क्या कुछ उस समय दिलो दिमाग में था जब पहला एल्बम मार्केट में आ रहा था? पहला एल्बम टाइम्स म्यूजिक से रिलीज हुआ था, तेरी चाहत में, जिसमें कि सभी रोमांटिक बैलेट्स हैं। उन दिनों भी उस रिमिक्स सॉन्ग्स का लहर था, और मैंने, कहते हैं ना कि वो एक जो बहती दरिया जो है उससे अगेंस्ट मैंने काम किया। लोगों ने मुझसे सवाल किया कि जब रिमिक्स का ज़माना है और कंपनी इतने रिमिक्स एल्बम्स रिलीज़ कर रही है, तो आप क्यों ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस लेकर चल रहे हैं? तो मैंने ये कहा कि नहीं, मुझे जो काम करना है वो ओरिजिनल काम करना है। उसमें बहुत मेहनत और सोच जाती है, लेकिन फिर वो काम सच्चा होता है। हेमा मालिनी जी की बात आप कर रही थी, तो हेमा मालिनी जी भी मीरा के बहुत खूबसूरत बाले पेश कर चुकी हैं। तो जब आप ये प्रोजेक्ट कर रही थी और आपने इसको करने का बीड़ा उठाया, और हेमा मालिनी जी से भी आप मिली, उन्होंने, जैसा आपने मुझे बताया कि उन्होंने इनॉग्रेट किया, क्या कहा उन्होंने आपसे? वो बहुत खुश हुई जब उन्होंने वीडियो फिल्म्स देखा और जब पंडित जी के कंपोज किए हुए गाने सुने, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। वो कहने लगी कि मतलब राजस्थान और मीरा का जो ये रूप है, इसमें बहुत सच्चाई दिख रही है मुझे। बहुत सारे बीच बीच में वो छोटे छोटे सवाल पूछती रही। शी वॉज़ वेरी इंटरेस्टेड। और यकीन मानिए, उसके कुछ दो महीने बाद ही मेरा ये डेब्यू म्यूज़िकल परफॉर्मेंस, जिसमें थिएट्रिकल परफॉर्मेंस है, वो शुरू होने वाला था। वो जो घड़ी थी जब मैं उनसे मिली और उन्होंने जब एल्बम लॉन्च किया, वो तो ऑडियो एल्बम था, उसके बाद मैं इतना इंस्पायर्ड हुई कि मैं दिन रात सिर्फ मीरा को ही जीती रही, मीरा को जीती रही, मीरा की सांस लेती रही, मीरा को सोचती रही। तो वो अपने आप में, उनसे मिलना और उसके बाद परफॉर्मेंस म्यूज़िकल प्ले, वो जो सफ़र है ना, उसके इंस्पिरेशन से बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। शी वॉज़ वेरी इंस्पायरिंग। जगजीत सिंह साहब से भी आपकी बहुत अनमोल यादें जुड़ी हुई हैं, कुछ उन यादों का जिक्र मेरी ऑडियंस के साथ। देखिए, मैं राजस्थान को बिलोंग करती हूँ, और हमेशा मैंने सोचा है कि राजस्थान ने जब इतना मुझे दिया है एज एन आर्टिस्ट, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने स्टेट को मैं कुछ प्रेजेंट करूँ। तो इसी ख्याल से मैंने एक प्रोजेक्ट, पधारो हमारे देश, तो पधारो हमारे देश में मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि मैं
जितने भी जो बड़े कलाकार हैं जो राजस्थान को बिलोंग करते हैं, जैसे जगजीत सिंह जी गंगानगर को बिलोंग करते हैं, रूप सिंह राठौड़, सुल्तान खान साहब, पंडित विश्व मोहन भट्ट और अहमद महमद हुसैन, सलील भट्ट हमारे इसमें इस प्रोजेक्ट में थे जिन्होंने बहुत बखूबी हमारा साथ दिया, तो ये सब कलाकार और उसके साथ साथ हमारे फोक आर्टिस्ट राजस्थान के जो कि राजस्थान की मिट्टी में मतलब उनका ही रंग है राजस्थान के हर जगह हमारे फोक म्यूज़िक का, इन सब को लेकर हम लोगों ने एक बहुत सुंदर एक गीत बनाया, लगभग ऐसा समझ लीजिए जैसे कि एंथम की तरह, आओ नी पधारो हमारे देश। आओ जी पधारो मारे देश जी, आओ जी पधारो मारे देश जी। जश्न मनाते हैं हम, बाटी बाट के खाते हैं, जो था की नगरी को। और जगजीत सिंह साहब से जुड़ी याद इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान? देखिए जगजीत सिंह के साथ तो बहुत ही छोटी छोटी प्यारी प्यारी यादें जुड़ी हुई हैं, उनके अंदर एक कहते एक बच्चा था जो कि हमेशा दैट चाइल्ड वॉज सो मच अलाइव इन हिम। और जैसे कि हम जैसलमेर जब शूटिंग कर रहे थे तो वो वहाँ के धोरों पर जाकर वो खुशी से नाचने लगे, जब हमारा पहला शॉट था तो डायरेक्टर साहब ने कहा सर जी इतना मत नाचिए, बोले अरे अपनी अपने रेतों पर अपने धोरों पर आकर कोई नाचेगा नहीं तो क्या बम्बई में जाकर कोई नाचेगा। और फिर वहाँ आकर के ओक से पानी पीना और फिर उसके बाद छोटे से वो कहते हैं वो 5 रुपए के वो जो शीशे में अपना चेहरा देखना और फिर उसके साथ वहाँ पर धोरों पर सब शूटिंग देना, वो इतने खुश थे। हमेशा वो कहते थे कि जो तुम हो बस तुम वही बनी रहो, जैसा तुम्हारा सोच है जैसा तुम्हारा रूप है उससे बिल्कुल बदलो मत, जैसी हो वैसी ही रहो वैसी ही रहो। हाँ। आपके कुछ और अपने हैं मनीषा जी जिन्होंने अपनी राय दी है, मैं चाहूँगी आप उन्हें देखें, आइए देखते हैं। मनीषा मैं तुमसे 32 साल पहले मिला था, क्या तुम्हें याद है? उस समय तुमने एक गीत गाया था, एक और गीत गाया, उस गीत को सुनकर सारे लोग मुग्ध हो गए और सबने कहा आह ये तो मीरा है, और मुझसे बिना पूछे मुझसे बिना समझे मुझे और तुम्हें एक प्रणय सूत्र में बांध दिया, क्या तुम्हें याद है वो चीज़? और तब से मैंने देखा है कि तुम्हारे मन में जो भक्ति है वो ज़बरदस्त है और पूरे परिवार को तुमने भक्तिमय बना दिया। मीरा तुम्हारे लिए ये कोई रूप नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुम्हें हर समय मीरा के रूप में ही देख रहा हूँ। मीरा मेरी, मैं हर समय तुम्हारे साथ में हूँ और साथ चलूँगा और ये सफ़र हम लोग साथ में तय करेंगे। मनीषा ए अग्रवाल एक बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई गायिका है। जब उन्होंने मीरा का किरदार निभाने का प्रयास किया या शुरुआत की थी तो वो बिल्कुल एक्ट्रेस नहीं थी, उन्होंने पहले कभी स्टेज पर कदम नहीं रखा था, लेकिन अपने डेडिकेशन से हार्ड वर्क से आज वो इस मकाम तक पहुंची है कि वो एक लोगों को लगता है कि ये एक्ट्रेस सिंगर है। तो मेरे ख्याल से एक परिपूर्ण अदाकारा है मनीषा, और मेरी बहुत बहुत बेस्ट विशेस है मनीषा को। मनीषा अग्रवाल जी, अब मैं मनीषा अग्रवाल जी कहूँ या मीरा कहूँ, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि मीरा को पुनर्जीवित करने के लिए ही शायद मनीषा अग्रवाल जी हैं और वो ये काम बखूबी कर रही हैं। और मीरा को जो आपने एम्बाइब किया है अपने अंदर और जो मीरा आपके अंदर से बोलती हैं गाती हैं वो दैट इज़ सिंपली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ और आपको आपके आगे फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, विशेज देता हूँ। क्या कहना चाहेंगी इन लोगों के लिए? इतने अपनों के लिए मैं क्या बोलूं? इनका प्यार ही दैट्स लाइफ फॉर मी एंड आई फील सो कम्प्लीट। ये जो स्ट्रेंथ और ये सपोर्ट है ना, ये आपको आगे तक लेके जाएगा ऐसा मैं जानती हूँ। और फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी भी होता है। ज़रूरी है। मनीषा जी आप सोशल कॉज के साथ भी जुड़ी हैं, ऑर्गन डोनेशन
शायद मैं सही कह रही हूँ जी जी जी। तो इसके साथ जुड़ना और इसके ज़रिए एक अवेयरनेस फैलाने का आपका तजुर्बा कैसा रहा? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आर्ट है या कोई भी कला, उसका पर्पस होना चाहिए। तो मैं अभी मीरा के कुछ शोज़ एज अ स्पॉन्सर शो फॉर यू नो द पर्पस, तो अलग अलग पर्पस के लिए मैंने अपने शोज़ दिए हैं, जिसमें कि ऑर्गन डोनेशन के लिए मैंने किया था शो, फिर जो वृंदावन के जो विमेन हैं उनके लिए किया था, गर्ल चाइल्ड के लिए किया था। तो इस तरह के शोज़ को, चैरिटी शोज़ को करके मुझे बेहद सुकून मिलता है। चलते चलते आपकी पसंद का एक गीत ज़रूर सुनना चाहेंगे जो आपको बेहद पसंद रहा हो। ये लता जी का बहुत ही प्यारा सा गीत है, जोत से जोत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सब पगल शख्सियत में आज आप तशरीफ लाई मनीषा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णा ब्लेस ऑल ऑफ यू, लव एंड पीस फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच शमीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही, ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार, आदाब।